बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। सम्मानित मंच मंच पर उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहन भाइयों का मैं दिल से स्वागत करती हूँ, और यहाँ बैठे त्रिलोकपुरी निवासी मेरे परिवार के सभी सदस्यों को उपस्थिति को नमन करती हूँ। क्योंकि सत्य भाई ने बताया, बहुत शॉर्ट में अपनी बात कर ली है, तो दो बातें आप सभी बहन भाइयों से मैं करना चाहूँगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा साथ जरूर देंगे। आज आपके भाई, आपके बेटे अरविंद केजरीवाल को, जिन्होंने आपके बच्चों का भविष्य बनाया, रात दिन इतनी लड़ाइयां लड़ी दिल्ली वालों के लिए, और आज इन निकम्मे भाजपाइयों ने, इस नाकारा मोदी ने उन्हें जेल में डाल दिया। इस जेल को जब तक दिल्ली वासी अपनी वोट की जीत से बदल नहीं देंगे, तब तक बैठेंगे नहीं। आप लोग अरविंद केजरीवाल जी का बदला लोगे? कौन कौन लेगा? बहुत बढ़िया। बहुत सारी माता बहनें मुझे फील्ड में मिलती हैं और वो रोती हैं, कहती हैं, बेटा केजरीवाल को जब से जेल में डाला है हमारा कलेजा फट गया है, और अकेले केजरीवाल ने हमारे लिए इतनी लड़ाइयां लड़ी, हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाए, हमारे लिए बस यात्रा फ्री गई, हमारे लिए मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, हमारे लिए अच्छी बिजली की व्यवस्था की, और जिस दिन से केजरीवाल जी ने 1,000 रुपए की घोषणा की, मोदी जी के पेट में दर्द हो गया। उनको समझ में नहीं आया कि इतने सारे विकासों के काम को कैसे रोका जाए। उन्होंने आपके बेटे को जेल में डाल दिया। आज दिल्ली और देश की जनता देख रही है, सब लोग परेषान है कि कितना बुरा षड्यंत्र रच के इन्होंने आपके बेटे को जेल में डाला है। हमारे परिवार का जब तक सदस्य जेल से बाहर नहीं आ जाएगा, जब तक इंडिया गठबंधन 7 सीट नहीं जीत जाएगा, तब तक आप लोग घर में नहीं बैठोगे। आप लोग सब साथ दोगे ना हमारा? केजरीवाल जी को न्याय दिलाओगे ना? मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग, दिल्ली वासी और पूरे देशवासी, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इस चाय वाले को इसकी औकात बता देंगे इस इलेक्शन में कि चाय वाले तेरी क्या औकात है। दिल्ली और देश की जनता इनकी जमानत जब्त कराएगी, इनको 40 बार नहीं जाने देंगे। बहनों भाइयों, आप सभी से निवेदन करूंगी कि आने वाली 25 तारीख को झाड़ों के सामने वाला बटन दबाकर भाजपाइयों की जमानत जब्त करा दो। आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।